समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव का निधन हो गया है। सोमवार यानी 10 अक्टूबर की सुबह 8:16 पर सपा नेता ने गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में अंतिम सांस ली। खास बात यह है कि ये वही शहर है और वही अस्पताल है जहां आज से ठीक 93 दिन पहले मुलायम की पत्नी साधना गुप्ता ने भी अपनी आखिरी सांस ली थी। वो मुलायम सिंह की दूसरी पत्नी थी और बीजेपी नेत्री अपर्णा यादव की सास और प्रतीक यादव की मां थी। यहां आपको बता दें कि साल 2003 में मुलायम सिंह की पहली पत्नी और अखिलेश यादव की मां मालती देवी का निधन हो गया था, जिसके कुछ दिन बाद सपा नेता ने खुद से 20 साल छोटी साधना गुप्ता को दूसरी पत्नी का दर्जा दिया था। साधना गुप्ता इटावा के विधुना तहसील की रहने वाली थी। 4 जुलाई 1986 में उनकी भी पहली शादी फरुखाबाद के चंद्र प्रकाश गुप्ता से शादी हुई थी। ये दंपत्ति 8 जुलाई 1987 को एक बेटे के माता पिता बने, जिसका नाम प्रतीक यादव रखा गया। इसके 2 साल बाद साधना और चंद्र प्रकाश अलग हो गए थे। इसके बाद साधना गुप्ता सपा के तत्कालीन सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के संपर्क में आई थी। बताया जाता है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की माँ मूर्ति देवी बीमार रहती थी। उस दौरान नर्सिंग की ट्रेनिंग कर रही साधना गुप्ता ने लखनऊ के एक नर्सिंग होम और फिर सैफई मेडिकल कॉलेज में मूर्ति देवी का काफी ख्याल रखा था। एक दिन अस्पताल में नर्स मूर्ति देवी को गलत इंजेक्शन लगाने जा रही थी, तभी वहां मौजूद एक ट्रेनी नर्स ने उसे रोक दिया और सूबे की ताकतवर शख्सियत मुलायम सिंह के माँ के प्राण बच गए थे। कहा जाता है कि मुलायम सिंह तभी से साधना गुप्ता से खासे प्रभावित हुए और यहीं से दोनों एक दूसरे के करीब आ गए थे। साल 2003 में मुलायम की पहली पत्नी मालती देवी का निधन हो गया। 23 मई 2003 को मुलायम ने साधना को अपनी पत्नी का दर्जा दिया था। आपको बता दें कि साधना गुप्ता के बेटे प्रतीक गुप्ता यादव राजनीति से दूर हैं, हालांकि उनकी पत्नी अपर्णा विष्ट यादव राजनीति में खासी सक्रिय हैं। गौरतलब है कि साधना गुप्ता की बहू अपर्णा विष्ट यादव ने सपा के टिकट पर 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली थी। फिर इसी साल सूबे में हुए विधानसभा चुनाव से पहले अपर्णा ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। नमस्कार।